जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ आज अगेन बीटीसी के एनालिसिस के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है आप लोगों के लिए, और इसमें हम बीटीसी को भी देखेंगे और इसके साथ कंपैरिजन करेंगे बाकी चीज़ों के साथ भी, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मार्केट किस सिमत में जाने वाली और मार्केट को क्या हो सकता है। ये जो मेरी डेली की अपडेट की वीडियो होती है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग ट्रेड में फंसे होते हैं उनके लिए होती है ये हेल्पफुल, और जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं ठीक है शॉर्ट टर्म की, एक दिन दो दिन चार दिन की स्विंग ट्रेड करें इंट्राडे करें, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करने का सोच रहे, जो बीटीसी को लॉन्ग टर्म बाय करने का सोच रहे हैं, जो एज ए इन्वेस्टर मार्केट के अंदर हैं, तो उनके लिए मेरी जो एक वीडियो पड़ी है कि आप लोगों ने बीटीसी को किस इंपॉर्टेंट लेवल से बाय करना है और कहां पे जाके सेल करना है, वो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप लोगों ने वो इसी चैनल पर सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों ने उस वीडियो पर मद्देनजर रखना है। आज की अगर मैं लेवल की बात करूं तो बीटीसी ने हमारा ये लेवल भी ब्रेक कर दिया है, सो दैट्स वेरी बैड फॉर अस। 19,886 को बीटीसी ब्रेक कर चुका, और बीटीसी ने पैटर्न क्या बनाया यहां पे, लेट्स सी, चेक करते हैं क्या था। हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, अगेन मार्केट इसके ऊपर अभी तक नहीं गई। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा रही तो हम बाय की तरफ नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हमने कंफर्म एंट्री देखनी है। सेकंड चीज, मैं यहां पे एक और चीज आप लोगों को बता दूं सिंपल वे में, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं आप लोग यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें, ये लिक्विडिटी इसकी बन जाएगी, आप इसको लिक्विडिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको यहां पे क्या बोलते हैं उसको रैली, उसके बाद बेस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीज अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है इस ट्रेंड लाइन का शॉर्ट टर्म फ्रेम में, आप लोग बाय की तरफ जा सकते हैं, आप लोगों के लिए खुली आजादी, आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे है तो बाय की तरफ ना जाइएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके साथ साथ मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी इस वक्त मार्केट के ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल बता दूं, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा आप लोगों ने इसी के अंदर रहते हुए ट्रेड करनी है, कभी भी इससे अपोजिट साइड पर नहीं जाना। ये वाला लेवल इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है तो आप लोग सेल की एंट्री लीजिएगा। आपके टीपी नेक्स्ट जो हो सकते हैं वो 19,121 हो सकता है और उसके बाद 18,590 हो सकता है। इस लेवल पे हमें बेरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है जो कि ट्रेंड की कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पे शो कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक चीज और भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों वे में मार्केट को यहाँ पे रीड करके चल रहे हैं ताकि हमें पता लग सके मार्केट इस वक्त किस लेवल पे है। फिबोनाची का मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल निकालूंगा, अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल आप उसको फॉलो कर रहे थे तो आप लोग उसको भी देख के यहाँ से चल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लेवल है जो कि फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर हम इसको मुकम्मल ड्रॉ कर सकें, ठीक हो गया। ये देखिएगा यहाँ पे क्या था, इस लेवल के ऊपर आपके पास एक रेजिस्टेंस मौजूद थी और मार्केट ने उसको आगे सपोर्ट कंसिडर की है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि 0.786 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची का, तो हम इसको भी कंडेम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अंधाधुंध बाय भी नहीं कर सकते। अब हमें करना क्या चाहिए, उसके लिए मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, आप लोग सिंपल ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, नीचे ये वाला लाइन ड्रॉ करें और इस लेवल का लास्ट में वेट कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम एंट्री यहां से यहां तक पकड़ सकते दैट्स वेरी फाइन फॉर यू, और उसके बाद अगर यहां से अगेन ब्रेकआउट होते तो आप लोगों को मार्केट नीचे देखने को फिर ऑब्वियसली मिलेगी, ठीक है। 100% की करेक्शन नहीं होती, 78% की करेक्शन एक मेजर करेक्शन भी हो सकती है, आप लोगों ने ये मार्केट में मान के चलना है। लेकिन जब मार्केट मुकम्मल तौर पर बिहेवियर रेंज पहुंच कर रही है तो आप लोग यहां पर कंसिडर कर सकते हैं कि 78 की करेक्शन भी हो सकती है और यहां से रेंज का लेवल भी हो सकता है। अब आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम यहां पे दोनों वे में देख रहे हैं। यहां से अगर इसका ब्रेकआउट देते तो हमें इजीली मिलेगा, अगर टेक्निकली लोग यहां पे सेल करने के लिए आ रहे हैं, जो इंट्राडे है उसे कंसर्न नहीं है, बीटीसी ऊपर जाए नीचे जाए उसे प्रॉफिट से कंसर्न है, तो वो इस लेवल पे लाजमी सेल करेगा, ठीक है। आप लोग उनके माइंड के साथ उनके साइकोलॉजी के साथ खेल रहे, ऑटोमेटिकली आप यहां से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। नेक्स्ट में आप लोगों के लिए बात करें तो यहां पर इथीरियम की अगर हम बात करें, इथीरियम अपने इस लेवल को, उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है जो मैंने प्रीवियस उसमें बना के आप लोगों को दिखाई थी, नहीं सस्टेन कर पाया इस वक्त। तो आप लोग कोशिश करें अब नेक्स्ट इसके नीचे वाले लेवल्स निकाल लें, जो ये लेवल हो सकता है 1300 का, यहां से आपको बाइंग एरिया मिल सकता है। लेकिन आज है 16 तारीख और कल मार्केट प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की जानेब आ चुका है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था लोग यहां पर न्यूट्रल है, कोई खास इंपैक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और सेम वैसा ही हमें यहां पर देखने को मिले। इसी ऊपर
जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इथेरियम इस लेवल से अगेन सेल कर सकते हैं, लेकिन बीटीसी ऊपर स्ट्रॉन्ग वे में ना जाए, बस ये याद रखिएगा। हल्का मैनिपुलेट हो रहा है ये, यह आप यहाँ पे टेक्निकली ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से अगेन सेल लेके आप यहाँ तक स्टॉप लॉस ऊपर, यहाँ तक आप अपना टीपी ओपन कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर मार्केट अगेन चली जाती है तो फिर हम बाय का सोचेंगे। तो उसके बाद बीएनबी की अगर मैं बात करूँ, बीएनबी कमाल टोकन है यार, इसमें पूरी डिटेल में वीडियो बनाना भी रहता है। बीएनबी अगेन उसी रेंज बाउंस के अंदर और दोबारा अपने सपोर्ट के ऊपर है, ये अपने ना सपोर्ट को ब्रेक करे ना अभी इसने इसको ब्रेक किया है। वन और टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोगों को 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर बीएनबी मिल रहा है, क्लियरली बाय करो, ऊपर जाओ सेल कर दो। अगर आप लोगों को इन फ्यूचर बीटीसी 250-260 पे एक दो दिन के अंदर देखने को मिले, आप लोग फिर भी बाय कर सकते हैं। ये उस सूरत में होगा अगर बीटीसी क्रैश करे, बीटीसी अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे देके जा रहा है, तो फिर ये पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप लोग उस वे में भी जाके ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आए, जिनके कमेंट्स का आंसर इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं डिटेल में रात को वीडियो बना दूंगा, वो भी इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। अगर आप लोग वो वीडियोस और वो अपडेट और उसके बाद इंशाल्लाह ताला टेक्निकल एनालिसिस की लेक्चर नंबर 24 से आगे नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस रहती है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मेक श्योर कीजिएगा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग प्रोफेशनल वे में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना चाह रहे हैं वो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलोअप कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत, और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, XNX का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग अकाउंट क्रिएट करके वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आप लोगों का कम अज कम वहां पर 1-1.5 साल 6 माह का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आपका होस्ट राहिल राजपूत, थैंक यू फॉर कमिंग।